नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। मिस्टरपुर स्थित जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार 6 मई से शुक्रवार 10 मई तक टाटा स्टील ऑल इंडिया टेनिस संगठन मेंस नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। ये टेनिस टूर्नामेंट 10 मई तक चलेगा। इस टेनिस टूर्नामेंट में 15 राज्यों से 56 खिलाड़ी भाग लेने आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स और मेंस डबल्स के दो टूर्नामेंट होंगे। टूर्नामेंट के सिंगल के फाइनलिस्ट को 8,400 रुपये और विनर को 12,500 रुपये का इनाम दिया जाएगा, जबकि मेंस डबल्स के फाइनलिस्ट को 3,800 रुपये और विनर को 6,200 रुपये मिलेंगे। इस टूर्नामेंट के गेम जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा आदित्यपुर के NIT में भी आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी देते हुए टाटा स्टील के खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुकुल विनायक चौधरी ने बताया 75% खेल टाटा स्टील जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे, जबकि 25% गेम आदित्यपुर में NIT में खेले जाएंगे। ये टूर्नामेंट जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित डेको टर्फ कोर्ट पर खेला जाएगा। NIT में भी डेको टर्फ कोर्ट है। इस टूर्नामेंट में झारखंड के दो खिलाड़ी देव सिन्हा और प्रियांशु अग्रवाल भी भाग ले रहे हैं। देव सिन्हा ने मेन ड्रॉ में 130वीं रैंक प्राप्त की, जबकि दुर्भाग्य से प्रियांशु मेन ड्रॉ में क्वालिफाई करने नहीं पाए। इसके अलावा भारत में 13वीं रैंक प्राप्त डेविस कूपर और DM रंजीत भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। कई ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के टूर्नामेंट जीतने वाले अभिनेशो भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट के सभी मैच सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। इसके बाद दोपहर बाद 3 से खेल की समाप्ति पर मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह सोमवार को 11 बजे JFC हॉस्पिटैलिटी लॉन्ज में होगा। उद्घाटन समारोह में TSUI SSL के MD ऋतुराज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। लास्ट कई सालों से हम कर रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एडिशन मेंस का सेकंड एडिशन जो हम यहाँ कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसको करीब करीब 15-16 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड जैसे ऋषि ने कहा कि बेसिकली सिंगल्स टूर्नामेंट है, सिंगल एज इन एक जेंडर का टूर्नामेंट है, इसमें डबल्स और सिंगल्स दोनों होंगे। तो उनके मान का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उस हिसाब से एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कब से कब तक होगा, कहाँ होगा? और जैसे ऋषि जी ने बताया 15 स्टेट से लोग आए हैं, 56 मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ओवरऑल मेन ड्रॉ में सिंगल्स में 32 सिंगल्स होंगे और डबल्स में 16 होंगे, उसका ड्रॉस होंगे। 15 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया एंड इट्स ऑल अक्रॉस इंडिया, मतलब सब जगह से आए, मतलब राइट फ्रॉम तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मणिपुर से भी लोग आए। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। आई थिंक पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग झारखंड अक्रॉस, तो ये पार्टिसिपेशन रहा हमारा। ये टूर्नामेंट चलेगा 6 तारीख से लेकर 10 तारीख। उससे पहले भी क्वालिफाइंग राउंड्स हुए कल और आज, ये क्वालिफाइंग राउंड्स 2 दिन तक चले और उसके बाद जेआरडी में ही होगा। जेआरडी में होगा कुछ चलेगा। पब्लिक्स के लिए टिकट्स अवेलेबल?